आप बिल्कुल ठीक कह रही है, दादी को रंगों के साथ जरूर खेलना चाहिए। मैं डालूंगी रंग इन पे। अरे साक्षी, साक्षी बेटा जरा संभल के चलो, नहीं तो लग जाएगी। हाँ माँ, संभल के चलना चाहिए, नहीं तो लग जाएगी। माँ मुझे मन कर रहा है ना, मैं सबके साथ होली खेल, सबको रंग लगा। आपको रंग लगा सकती हूँ? लगा। ओके। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे साक्षी ध्यान से। ओह माय गॉड, ये तो नशे में लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसने भांग पी ली हो। अरे इसमें डर जाएगा बेटा, नहीं कर ऐसा। अरे मॉम, आप यहाँ हैं? आपको डेट कब से ढूंढ रहे हैं वहाँ? साक्षी तुम चलो ना, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सब लोग, और डांस भी करना है। फिर से डांस? हाँ फिर से, चलो चलो चलो। चलो। अरे सच में फिर से डांस? साक्षी तुमने भांग पी है? नहीं नहीं, मैंने भांग नहीं पी है, मैंने तो आमचूर चाट पिया है, बहुत टेस्टी है, बहुत 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 अच्छा है, पीजिए ना। गॉड, इसमें तो भांग मिली हुई है, तभी साक्षी ऐसे बिहेव कर रही थी। साक्षी हाँ? मेरी बात सुन। हाँ? तुम नशे में हो, तुमने भांग पी है, अगर किसी को पता चल गया कि तुमने भांग पी है तो आफत आ जाएगी। चलो मैं हाथ पकड़ो। साक्षी, साक्षी स्टॉप, साक्षी। क्या साक्षी, तुम लोग यहाँ मौज मस्ती कर रहे हो, और अपनी दादी का तो वो देख, उसका तो किसी को ख्याल ही नहीं है। एक तरफ तो खुशियों के रंग, मौज मस्ती, और दूसरी तरफ वो देख दादी तेरी कितनी उदास, बेरंग है ना, अच्छा नहीं लगता। हाँ बा, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। जो हुआ सो हुआ, जाने दे, अब लगा देना। क्या बात कही आपने बात, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो होगा बहुत ही मजेदार होगा। आप बस देखते जाइए साक्षी क्या करती है। विनी दिप्ति। दादी माँ आपको उधर बुला रही है। मुझे? लेकिन शारदा तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। दादी नजर नहीं आ रही, तभी तो मुझे भेजा है ना आपको बुलाने के लिए। अच्छा चल। हरकत किसने किया ये? होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है भाई, होली है। पापा आपको पता है हम सब यहाँ होली खेल रहे, और दादी वहाँ दूर बैठी थी चुपचाप, बहुत उदास लग रही थी, लेकिन अब देखिए ना अब ठीक है, अब दादी भी हमारी तरह कलरफुल हो चुकी है। मामा साक्षी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे उसने भांग पियो? भांग? नहीं ये तो नहीं हो सकता, भांग तो घर में है ही नहीं। अरे सुनिए सुनिए, आपको पता है वो जो छास है ना जो साक्षी लेकर आई है उसमें तो भांग मिली है। हाँ मैंने अभी चख के देखा। नहीं, नहीं
अरे साक्षी ने तो कहा था कि वो आमचूर छाज है, साक्षी ऐसा नहीं कर सकती है, और फिर साक्षी ऐसा कर भी सकती है। वो क्या है ना कि आजकल के बच्चे हैं, कब कौन से रंग में ढल जाए कुछ बोल नहीं सकते ना। पर साक्षी ने अगर ऐसा किया है तो ठीक नहीं किया, गलत किया। ये पान पीने के लिए झूठ बोला, गलत बात। सच में से आमचूर का छाछ पिया था, वो भी आपसे पूछकर, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, और कुछ नहीं पिया था। और उसी छाछ में भांग मिली हुई थी साक्षी। I don't understand। जब ये समझ पाई तो तुम्हें कैसे नहीं पता चला? करण, क्या तुम जानते थे कि साक्षी ने भांग पी है? I don't believe this। तुम्हें पता था तो तुमने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? जानते हो ना कि मोदी फैमिली में भांग पीना अलाउड नहीं है। हाँ हाँ, वही तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या है इस छाछ में जो साक्षी इतना जिद कर रही है। हाँ, अभी मैं समझी, उसे तो पता था इसमें भांग मिली है। हाँ साक्षी, इस घर की बहू होकर तूने ऐसा काम किया, घर की मर्यादा का मजाक उड़ाया तूने, बहुत गलत किया। क्यों शारदा, तू तो अब कुछ कहेगी नहीं अपनी बहू को? सही कह रही है फुई, मैं अपनी बहू को कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि साक्षी ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। उसने भांग नहीं पी है, उसे पिलाई गई है। मैं साक्षी पर आंख बंद करके भरोसा करती हूं, क्योंकि मैं साक्षी को अच्छी तरह जानती हूं, और मैं इस घर के दूसरे लोगों को भी अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जानती हूँ यह हरकत किसने की है। मुझे पता है इस घर में भंग कौन लेकर आ सकता है। चलो जाने दो, अब जो होना था वो सो हो गया। आज होली है। अरे भाई सब लोग होली खेलो। वाह भाई शार, खास वो तो तेरे जैसी। तो वैसे भी वो भरोसा ही क्या जो हालात की छोटी सी ठोकर से टूट जाए। सही किया तुमने, और फिर गलती तो इंसान से ही होती है ना। अच्छा किया जो तूने अपनी बहू को माफ कर दिया। लेकिन मैं सोच रही हूँ शारदा की, करण की दादी क्या साक्षी की गलती के लिए उसे माफ कर देगी? तूने मारी एंट्री यार दिल में। साक्षी तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? वो दादी नाराज हो गई ना? तो क्या हुआ, मना लेना। नहीं मानेंगी ना। अगर सच्चे दिल से माफी मांगो तो भगवान भी माफ कर देते हैं। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ, तुम नहा लो, यू विल फील बेटर। नहा लो। अरे ये तो सो गई। साक्षी, साक्षी उठो, साक्षी चलो उठो, सोने दीजिए ना। साक्षी तबीयत खराब हो जाएगी, चलो नहा लो पहले।
चलो 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 चलो। क्यों, क्यों फर्क पड़ता है आपको? जब मैं आपकी वाइफ बनती हूँ तब आपको बड़ा प्रॉब्लम है, अब हस्बैंड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? एक्चुअली आप सही कह रहे हो, नाना चाहिए मुझे, नहाऊंगी तो बेटर फील करूंगी। अरे देख क्या रहे हो, उठाओ ना। हाँ चलो चलो, आराम से संभल के। ये चिराग कहाँ गया? घर में भांग वही लेकर आया होगा, कल तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा पर आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से दोस्तों के सामने चिराग को कुछ कहना ठीक नहीं है। मैं मेरी हेल्प कीजिए ना, ये बांध दीजिए ना। दादी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है, दादी मुझे कभी माफ नहीं करें। और आपने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम उस वक्त रुकने की हालत में थी कहाँ साक्षी, और वैसे भी तुमने दादी के साथ जो किया सो किया, लेकिन तुमने जो उस वक्त मेरे साथ किया, आपके साथ मैंने क्या किया? अब ऐसी बात मैं अपनी जुबान से कैसे कहूँ साक्षी? ऐसी बात कैसी बात? अब तुम्हें तो उस वक्त करते हुए भी शर्म नहीं आई, लेकिन मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे मारी डालेगी। शारदा, अरे भाई कहां हो तुम? कुछ मेहमान जा रहे हैं, उनको तोहफे देने चलो। मां आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरा बैग क्यों चेक कर रही हैं? देखिए ना डैड, मां मेरा बैग चेक कर रही हैं, ये गलत है। गलत बात है, और जो तू इस घर में भांग लेके आया है वो सही है क्या? भांग? मुझे कुछ नहीं पता। देख रहे हैं आप इसे? मैं मानती हूँ ये बड़ा हो गया, पर इसका ये मतलब नहीं कि एक के बाद एक गलती करता रहे और जब पकड़ा जाए तो झूठ बोले। डैड आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है सच में। तो ये भांग तेरे बैग में कैसे आई? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता, वो शायद मेरे फ्रेंड्स लाए होंगे, और मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? भले ही हमारे घर में भांग नहीं पी सकते,
लेकिन बाहर दुनिया में तो हर कोई भांग पीता है आज के दिन, और इनफैक्ट इसे तो होली का शगुन मानते हैं। देख रहे आप इसे, एक तो ये गलती पे गलती करता जाता है, इसे गलती भी नहीं मानता, कल नशे में घर आया पर आज ये। चिराग, कल जो कुछ भी तुमने किया उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ पार्टी करने की इजाजत देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसी आदतें डाल लो जिनसे मुझे सख्त नफरत है। आइंदा याद रहे। Do you get me? जी रेट। अब जाओ यहाँ से। ओके। देखिए ये शारदा, तुम भी भूल जाओ, जाने दो ये सब, और ये कुछ और नहीं सिर्फ भांग है। देखो मुझे लगता है चिराग बिल्कुल सही कह रहा है, जरूर उसका कोई दोस्त ये भांग लेकर यहाँ आया होगा। लेकिन वो शारदा, अपने बच्चों पर भरोसा रखो ताकि वो भी तुम पर भरोसा कर सकें। बच्चे जब बड़े होते हैं तो कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती ही हैं। तुम परेशान मत हो, अब जल्दी से वो तोहफे निकालो, गैस जाने को है। चलो जल्दी करो। बिजनेस में फोकस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं गुजिया खा लूं। But you know, हर मम्मा, मैं गुजिया खा लूं। या क्या है बेटा? जाओ, जहाँ जाना है जाओ। ठीक है, थैंक यू मम्मा। You know, even घर पे दिया, ये बेटा तुम्हें मीठा खाने के लिए मना किया है ना? पापा, मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी ने मुझे ज्यादा दे दिया है। दिया, आओ। कॉन्फ्रेंस तो हुई थी लास्ट ईयर। लतिका, लतिका तुमने दिया को गुजिया खाने की परमिशन दी? गुजिया? प्रतीक, वो मैं दोस्तों से बात कर रही थी और तो क्या? अगर वो तुमसे कुछ पूछ रही थी तो तुम्हें उसकी बातों को सुनना चाहिए था, और तुमने बिना सुने आंखें दी। अगर ये सब खा के उसको कुछ हो जाता तो आई एम आस्किंग यू वन मोर टाइम लतिका, तुम इतनी इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? It's okay, man. Chill. ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे तुमने बहुत बड़ा बना रखा है। तुम लोग दिया के लिए बेबी सिटर क्यों नहीं रख लेते? बेबी सिटर मैं नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मैं बेबी सिटर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को अपने हाथों से पालते हैं, उनके बच्चे किसी आया की गोद में नहीं पलते, समझे? Audio. Just excuse me. मैं अभी आती हूँ। प्रतीक, क्या था ये सब? इनफ लतिका, मैं घर जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। अब बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। काफी देर हो गई और दिया भी काफी थक गई है, तो मैं इसे घर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, चलता हूँ मम्मी जी। मामा, मैं भी जाती हूँ। अच्छा बेटा। दादी, मैं जानती हूं अगर मेरी गलती की वजह से आपके तन को चोट पहुंचती तो आप मुझसे इतना नाराज नहीं होते, लेकिन मैंने आपके मन को ठेस पहुंचाया है। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे दादी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इतना सब कुछ कैसे कर दिया। मॉम, साक्षी ने जो कुछ भी किया उसके लिए साक्षी बहुत दुखी है, लेकिन दादी को भी तो बहुत बुरा लगा होगा। मुझे नहीं लगता कि साक्षी दादी को मना पाएगी। बेटा, माँ जी का मन नारियल जैसा है, बाहर से सख्त है पर अंदर से बहुत नरम है, और साक्षी ने जो कुछ किया वो गलती से किया। मेरी साक्षी एकदम बच्चों जैसी है, भोली, और भोले बच्चों से
कोई ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। दादी जब छोटे बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें सजा मिलती है, तो मुझे भी सजा दीजिए ना। ये लीजिए चलो। दादी मुझे मारिए, मुझे डांटिए, लेकिन प्लीज इस तरह मुझसे नाराज मत रहिए। साक्षी, साक्षी, इतने प्यार से तूने माजी के लिए खीर बनाई है और उसे किचन में ही भुलाई, और ये छड़ी लेके क्यों खड़ी है? दादी, या तो खीर खाकर मुझे माफ कर दीजिए, या तो मार कर, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, उनकी गलतियां भी बड़ी हो जाती हैं। मैं तेरी दादी सासू, तेरी गलती छोटी हो या बड़ी, माफ तो मुझे करना ही पड़ेगा। अरे बता, खीर अच्छी बनाई है ना? I promise. I'm so sorry दादी, आइंदा मुझसे कभी ऐसी स्टूपिड सी भूल नहीं होगी। अब बस एक काम बाकी है जिसे ठीक करना।